السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. ये दुआ जब पढ़ा करूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग खुद भी दुआ पढ़ा करें, कोई भी काम करने से पहले ये दुआ कर लिया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे काम को आसान करें इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह से अल्लाह की फजल था कि हमने इस्म को कंप्लीट किया, उसी तरीके से अल्लाह हमें तौफीक दे कि फेल भी हमारा कम्प्लीट हो जाए इंशाल्लाह। कुछ क्लासेस बचे हुए, लगभग 50% से हम लोग वापस चले गए, हुआ फेल होगा, दरमियान में हार पाता रहेगा, उसके बाद हमारा इंशाल्लाह बेसिक ग्रामर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है फेल। इस फेल से हर कोई वाकिफ है। ये वो वाला फेल नहीं है जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, जो जिंदगी में फेल होते हैं, एग्जाम में फेल होते हैं, ये वो वाला फेल नहीं है, फेल कोई और फेल है। इंशाल्लाह बताता हूँ कौन सा फेल है। अल्लाह के फजल से हमने शुरू किया था, 22-23 क्लासेस हमारा हुआ नॉर्मली, तो उसमें हमने जो पढ़ा था, हमने कलिमा के 3 अकसाम पढ़े थे, एक था हमारा इस, दूसरा फेल और हर्फ। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया, ठीक है। कैसे मुकम्मल किया? इस्म के बारे में 4 चीजें हमने जाना, उसका जिन्स, उसका अदद, उसका वुसअत और उसका इराद। फिर उसके बारे में हमने और तहकीक की, तो हमने उसमें जुमला इस्मिया शुरू किया। जुमला इस्मिया के अंदर हमने मुख्तलिफ मरकबात को इस्तेमाल किया, मरकबात नाकिसात हमने इस्तेमाल किए, और फिर मुख्तलिफ हमने जुमला इस्मिया बनाया हमने, ठीक है। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? कि जिसकी शुरुआत किसी इस्म के साथ हो। तो अल्लाह के फजल से हमने मुकम्मल किया इस्म को, साथ ही हमने दरमियान में हर्फ पढ़ा। हर्फ में जैसे कि हमने हर्फ निदा पढ़ा, कुछ जोर देने वाले हर्फ पढ़े जैसे इन्ना, लाम, हर्फ जर पढ़ा हमने, और कौन सा हर्फ पढ़ा हमने? नफी के लिए हर्फ पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ हर्फ पढ़े हमने, हुरूफ इस्तफहाम पढ़े हमने, ठीक है। तो दरमियान में हमारा आता रहा, इस्म के साथ हमारा दरमियान में आता रहा। इंशाल्लाह ताला जब हम फेल शुरू करेंगे तो इस्म के साथ हर्फ तो आता रहा, अब फेल के साथ हमारा इस और हर्फ दोनों आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा इस्म कंप्लीट हो गया तो हम भूल जाए उसको, नहीं, बल्कि वो आएगा। वो फेल के बारे में कौन क्या जानता है, कौन बताएगा फेल के बारे में? आपने क्या, आपके पास क्या नॉलेज है फेल के बारे में? आपके फेल के मुताबिक ग्रामर के अंदर उर्दू में जो आपने फेल पढ़ा था उसके मुताबिक आपको क्या नॉलेज है, कौन बताएगा? आदिल भाई आप कुछ बताओगे? अच्छा, हाँ हाँ, वर्फ को कहते हैं, चलिए इंग्लिश में तो वर्फ कहते हैं, लेकिन उसका तारुफ क्या? आप ही बताए ना, आप बताए ना, कोशिश तो करे, कोशिश करे, चले, जो भी याद है आपको, जो भी, जो टूटा फूटा याद है, जरूरी नहीं है, चारे ठीक सही आ रहा है, चले एक्शन बस। आदिल भाई कुछ बताओगे आप? जी बताएं। ऐसे कलिमात जिसके जरिए किसी काम का होना या करना जमाने के एतबार से पाया जाए, सही है, समझ में आया? ऐसे कलिमात जिसके जरिए किसी काम का होना या करना या सहना जमाने के एतबार से पाया जाए, जमाने के एतबार से लाजिम है फेल के अंदर आना, क्योंकि फेल जमाने के ऊपर ही डिपेंड है। किसी भी फेल के अंदर अगर जमाना नहीं आता तो वो जमाना, वो फेल नहीं आएगा, वो कलिमा फेल में नहीं ऐड होगा बल्कि वो इसमें ऐड हो जाएगा। लिहाजा जमाना ऐड करना जरूरी है। जमाना कैसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। जमाने के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है कि जमाने 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जमाना है माजी, जमाना है हाल, और जमाना है मुस्तकबिल, इंग्लिश में हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और फेल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ठीक है, फेल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो 3 तरह के जमाने पाए जाते हैं हमारे अंदर, एक हुआ फेल माजी,
लिखने की जरूरत नहीं है, चले कोई बात नहीं। फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ये उर्दू में हमने पढ़ा है। और इंग्लिश के अंदर तीन तरह का टेंस होते हैं, सेम, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन होते हैं। अरबी और उर्दू और इंग्लिश में सबसे पहला जो बुनियादी फर्क आपको मिलेगा वो फेल अरबी के अंदर दो तरह के होंगे। एक आएगा फेल माजी, ठीक है, फेल माजी, और एक आएगा फेल मुदारे। फेल माजी समझ में आ रहा, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है बल्कि पास्ट की बात हो रही है। अरब में क्या होगा कि फेल मुदारे दो चीज को कवर करेगा, कौन सा, हाल को और मुस्तकबिल को, ये हाल को और मुस्तकबिल को कवर करेगा। फेल माजी अपना फेल माजी रहेगा, फेल मुदारे जो होएगा अरबी के अंदर वो जो फेल हाल और फेल मुस्तकबिल था उसको कवर करेगा अरबी के अंदर। यानी कि हमने सबसे पहला जो बुनियादी फर्क देखा अरबी के अंदर और उर्दू और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कि फेल तीन तरह के थे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, अरब के अंदर दो तरह के फेल मिलेंगे आपको, एक फेल माजी, एक फेल मुदारे। यहां तक कोई सवाल किसी का, किसी का कोई सवाल नहीं? तो आज इंशाल्लाह ताला हम पहले जो शुरू करेंगे वो पहला शुरू करेंगे फेल माजी, फेल माजी हम पढ़ेंगे, फिर हम फेल मुदारे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखें कि अरबी और उर्दू और बाकी लैंग्वेजेस से जो फेल का जो फर्क सबसे पहला बुनियादी फर्क आ रहा है वो फेल अरबी में दो तरह के होंगे और बाकी में तीन तरह के होंगे। अरबी में आएगा माजी और मुजारे, माजी माजी को कवर करेगा, आपको पता है कि प्रीवियस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और मुजारे जो प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर करेगा यानी हाल और मुस्तकबिल को कवर करेगा। यहां तक क्लियर है सबको? देखिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर किसी को ना समझ में आए जरूर मैसेज करे, माइक ऑन करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन पूछे, अपने अंदर दाब के ना रखे कि नहीं मैं बाद में देख लूंगी या फिर मैं बाद में देख लूंगा वीडियो, वैसे ना करे, पूछ लिया करे। ठीक है, बाद में तो आप देख लेंगे और रिविजन के तौर पर आपको आ जाएगा, लेकिन यहाँ पूछे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। ये सबसे पहला फर्क आपको समझ में आएगा, और फेल किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा पीछे जाए, अपने लाइफ के पीछे जाए, जब हम 5-6 में थे तो हमने ग्रामर पढ़ा था, और ग्रामर के एग्जाम में एक एग्जाम में पर्चा एक क्वेश्चन आता था, वो आता था कि जाना मजदर से फेल माजी की गर्दान करे, अब ये गर्दान किस भले का बला का नाम है इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। सवाल आता था कि जाना मजदर से, मजदर भी एक चीज आया, वो मजदर को भी क्लियर करता चलूं मैं, मजदर क्या है, उस दिन सवाल उठा था मजदर के मुताले, मजदर कहते हैं, तो जाना मजदर से फेल माजी की गर्दान करे, गर्दान किसे कहते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले ये मजदर समझ लिया। मजदर कहते हैं किसी भी काम के नाम को, किसी भी काम के नाम को मजदर कहते हैं। मिसाल ये जाना, हम जा रहे हैं, ये काम है, इसको कहेंगे मजदर। मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाना एक काम है, इसको कहेंगे मजदर। कोई खा रहा है, ये तो खाना एक काम है, इसको कहेंगे मजदर। इस काम के नाम को कहते हैं मजदर। अब ये जैसे जाना एक काम है ना, और इसको कहते हैं मजदर, ठीक है, इसको कहते हैं मजदर। अब जाना मजदर से गर्दान करना है, बचपन में तो हमने किया नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हम करेंगे, और आज ऐसी गर्दान आपको याद होगी कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हम समझ के गर्दान करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अभी आपको सामने जाना मजदर से उर्दू में गर्दान करके बता रहा हूं कि गर्दान किसे कहते हैं, समझे बात को। तो जवाब ऐसा होता था कि हम लिखना पड़ता हमें था कि वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। क्या समझ में आपको इसका मतलब, कि वो शुरू थर्ड पर्सन को लेके, मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा, ठीक है, वो गया,
वाहिद मुजक्कर थर्ड पर्सन को इस्तेमाल किया, वो गए मुजक्कर जमा को इस्तेमाल किया, वो गई वाहिद मुअन्नस, वो गई जमा मुअन्नस थर्ड पर्सन, क्लियर हमारा। तू गया सेकंड पर्सन वाहिद मुजक्कर, तुम गए जमा मुजक्कर आपका सेकंड पर्सन, तू गई वाहिद मुअन्नस फर्स्ट सेकंड पर्सन, तुम गई वाहिद मुअन्नस सेकंड पर्सन, सॉरी जमा मुअन्नस सेकंड पर्सन, मैं गया हम गए, मैं गई हम गए। तो ये था गर्दान। अब गर्दान इसका मतलब क्या था कि ये लफ्जों का एक मजमुआ है, अल्फाजों का एक मजमुआ है जो अरबी के अंदर या फिर जिस लैंग्वेज के अंदर जो प्रोना जो आपका जमायर होते थे उस जमायर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुमला बनता था हमारा, ठीक है, तो उसे गर्दान कहते थे। इंग्लिश में गर्दान को कहते हैं कंजक्शन, कंजक्शन कहते थे, ठीक है, इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में गर्दान करते हैं। पहले हम एक बार, आप उर्दू हमारा गर्दान हो गया, इंग्लिश में एक बार गर्दान करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंग्लिश और उर्दू और अरबी के अंदर फर्क ये है कि जैसे कि उर्दू और अरबी के अंदर थर्ड पर्सन को प्रेफर करते हैं पहले, उसके बाद फर्स्ट पर्सन तक आते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है उल्टा होता है, वो फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करते हैं पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इंग्लिश में गर्दान होता था, इंग्लिश में जैसे जाने को कहते हैं गो, तो गो के बारे में जब हम गर्दान करते हैं इंग्लिश में तो पहले फर्स्ट पर्सन शुरू होगा, आई वेंट वी वेंट। अब इसमें मुजक्कर मुअन्नस का भी टेंशन नहीं है क्योंकि आई के लिए भी मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है और वी के लिए भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें मुजक्कर मुअन्नस का कोई फर्क नहीं। आई वेंट वी वेंट यू वेंट, इसमें तो वाहिद और मुजक्कर का भी जमा नहीं, वाहिद और जमा का भी कोई टेंशन नहीं है। ही वेंट शी वेंट, ही वेंट दे वेंट, शी वेंट दे वेंट, ये था हमारा गर्दान इंग्लिश में। उर्दू का गर्दान समझ में आया आप लोग को, किसी को कहते हैं गर्दान। अब मैं अगर आपको अगर दूं कोई मजदर तो उससे गर्दान आप कर पाओगे हाँ, तो मैं आपको एक गर्दान देता हूं, आप एक मजदर ले लो, आना मजदर से गर्दान करे उर्दू में, चले आना मजदर से गर्दान करे उर्दू में, वो आया वो सब आए, ठीक है, चले वो आए कह दे, ठीक है वो सब आए, ठीक है वो सब आई नहीं, हाँ वो आई वो सब आई, ठीक है, थर्ड पर्सन कंप्लीट, सेकंड पर्सन में आए, तू आया तुम सब आए, तू आई तुम सब आई, मैं आया हम आए, मैं आई, बस इसको कहते हैं गर्दान। उर्दू कंप्लीट, इंशाअल्लाह ताला हमें अरबी के अंदर भी यही सीखना है, लेकिन अरबी ये जो गर्दान है ना, ये गर्दान ना उर्दू का लैंग्वेज है, ये फारसी का लफ्ज है, ठीक है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अरबी के अंदर गर्दान को क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। अरबी के अंदर गर्दान को कहते हैं तसरीफुल फेल। ये कौन सा मुरक्कब है तसरीफुल फेल, कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, माशाल्लाह। तर्जुमा क्या होगा, फेल की तसरीफ, यानी फेल का गर्दान, फेल की गर्दान कह सकते हैं हम। नॉर्मली तसरीफुल फेल से लोग वाकिफ नहीं है, ये एक टफ लैंग्वेज है, लेकिन चूंकि जरूरी है ये टर्म को इस्तेमाल करना। अरबी के अंदर भी लोग तसरीफुल फेल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसको अरबी के अंदर भी गर्दान कहते हैं, क्योंकि गर्दान से लोग ज्यादा वाकिफ है, ठीक है, गर्दान से लोग ज्यादा वाकिफ है। यहां तक समझ में आया, गर्दान किसे कहते हैं, जाना किसे, मस्दर किसको कहते हैं, तसरीफुल फेल किसको कहते हैं। उर्दू भी समझ में आ गया, अरबी भी आ गया, और फारसी और इंग्लिश सब आ गया हमारा, ठीक है। उर्दू का गर्दान समझ में आ गया, ठीक उसी तरीके से अरबी के अंदर भी गर्दान होंगे। उर्दू के अंदर टोटल प्रोनाउंस कितने थे, कितना बन रहा था हमारा गर्दान, चार चार आठ और चार बारह, बारह बन रहे थे, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत कम बन रहा था, इंग्लिश में डिपेंड होता है क्योंकि उसमें वाहिद मुजक्कर का भी जो फर्क है ना, यू और वाहिद और जमा का सेम ही हो जाता है नॉर्मली, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मजदर आपका इस्तेमाल हो रहा था। बाज दफा मजदर पे डिपेंड होता था कि जुमले कितने बनते थे, बाज दफा मजदर पे जुमला कम बनता था। तो
यहां तक समझ में आया, मैं इंशाल्लाह इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा लंबा और जरूरी क्लास है। फेल माजी पढ़ेंगे आज हम, फेल के बारे में आपने पढ़ लिया, और ये वर्ब वो उसको नहीं कहते हैं, ठीक है, उसको टेंस कहते हैं, वहां पे दूसरा चीज फेल का लिखा मैंने। अच्छा एक बात गौर करें अब आप, मैं उर्दू में जो मजदर इस्तेमाल किया था जाना, जाना के लिए जो मजदर इस्तेमाल हुआ था हमारा, उसमें जो हुरूफ थे वो टोटल कितने थे? अगर हमने देखा तो ये जाना था हमारे पास, इसमें जो हुरूफ थे वो थे जीम अलिफ नून अलिफ, चार हुरूफ हो रहा है। इंग्लिश में अगर इसको जाए तो कहते हैं गो, और गो के लिए सिर्फ दो आ रहे हैं ना, जी सॉरी जी ओ, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट कर दे, जी और ओ इंग्लिश में इसको ये आ जाएगा, ये थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। बैठना, बैठना के लिए जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो बे ये है नून अलिफ, इसमें टोटल कितना है? पांच। आना जो है ना, आना ये मद आता, ठीक है, अलिफ मद इसको ऐड कर दे, नून और अलिफ। इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है सी एस आई टी सी, ठीक है, और आना के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में कम। अच्छा गौर करें तो आपको दिखेगा कि उर्दू में जो मजदर है उस मजदर के ऊपर जो हुरूफ है वो कोई एक मुतय्यन नहीं है, अलग अलग है, यहाँ चार आ रहा है तो यहाँ पांच आ रहा है, फिर यहाँ पे चार आ रहा है, आ रहा ना। तो इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पे दो है, तीन है, चार है, कोई पांच आएगा, कभी छह आ जाएगा, यानी कोई डिपेंड नहीं है, कोई फर्क मतलब एक मुतय्यन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कितना ही आएगा। लेकिन अरबी की खासियत यह है कि अरब जब भी किसी मजदर को इस्तेमाल करेगा तो उसके हुरूफ 99.99% तीन ही वो यूज करता है, वो तीन ही हुरूफ यूज करता है। जैसे बैठने के लिए अरब जो इस्तेमाल करता है वो जो हुरूफ इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है जीम लाम और सीन, जीम लाम और सीन। आना के लिए जो इस्तेमाल वो करता है वो इस्तेमाल करता है काफ दाल मीम, ठीक है, और जाना के लिए वो जो इस्तेमाल करता है वो जाल हा और बा। ये खासियत है अरबी की, ये छोटी छोटी पॉइंट है, इसको जहन में बैठाना पड़ेगा आपको। आपका जो मजदर उर्दू के अंदर आ रहा था उसके अंदर जो हुरूफ आ रहे थे वो कोई एक नहीं था, बल्कि तीन आ रहा, कभी चार आ रहा, कभी पांच आ रहा है। इंग्लिश के अंदर भी वही हो रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी तीन आ रहा है, कभी चार आ रहा है, ठीक है। लेकिन अरबी की खासियत ये है कि अरब जब भी कोई मजदर इस्तेमाल करता है यानी किसी काम का नाम इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो तीन ही हुरूफ इस्तेमाल करता है, और ये टोटल 99.99% जितने हुरूफ है वो तीन ही इस्तेमाल करते हैं। वो तीन ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैठने के लिए इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है सिट एस आई टी और बा या ठ नून अलिफ, उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में वो तीन ही इस्तेमाल करेगा जीम लाम सीन, ठीक है। आना के लिए जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो काफ दाल मीम इस्तेमाल होता है, जाना के लिए जो इस्तेमाल करता है अरबी, जाना के लिए जो इस्तेमाल करता है वो जाल ह बा इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसे कहते हैं मस्दर का रूट वर्ड, अल्फाज का रूट वर्ड कहते हैं इसको, इसे कहते हैं रूट वर्ड, ठीक है। यहां तक कोई सवाल किसी का, किसी को कुछ समझ में ना आया हो? समझ में आया? देखिए बता रहा हूं, इसको वापस समझाने की कोशिश करता हूं। मजदर किसे कहते हैं? ये तमाम मजदर है, आना जाना गो सिट कम, ये समाम के तमाम मजदर है। क्या है? मजदर यानी काम का नाम। तो जब उर्दू के अंदर मजदर इस्तेमाल किया उन्होंने, मजदर के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल कर रहे, हुरूफ समझ रहे ना,
अलिफ बा ता जो पढ़ा था हमने, हुरूफुल हिजा जो हमने पढ़ा था, वो उर्दू के अंदर कभी चार आ रहा है, कभी पांच आ रहा है, कभी तीन आ रहा है, कभी पांच आएगा, कभी दो आएगा, कभी चार आएगा, ऐसे करके आएगा। इंग्लिश में भी देख रहे हैं कोई अलग अलग डिफरेंस है, सब में अलग अलग है, इंग्लिश में और उर्दू में सब अलग अलग है, लेकिन अरबी के अंदर ये खासियत ये है कि ये अरबी जितने भी मजदर है उसके 99.9% मजदर सारे के सारे तीन ही लेटर पे मुश्तमिल होंगे, यानी तीन ही हुरूफ पे मुश्तमिल होंगे। जैसे अरबी अरब अगर जाने के लिए अगर कोई मजदर इस्तेमाल करेगा तो वो जाल हा बा इस्तेमाल करेगा, वो जाल हा बा इस्तेमाल करेगा। अगर वो बैठने के लिए अगर मजदर इस्तेमाल करेगा, वो कहेगा ना कि बैठने के मजदर से, तो वो कहेगा जीम लाम सीन को इस्तेमाल करेगा वो, ठीक है। और इन मजदर को इस्तेमाल करके हम गर्दान करेंगे अरबी के अंदर, इन मजदर को इस्तेमाल करके हम अरबी के अंदर गर्दान करेंगे। अब समझ में आया। अब हम आते हैं अपने गर्दान की तरफ, यानी तसरीफुल फेल की तरफ। तो ये था हमारा चार्ट, एक बार लिख देते हैं। हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना, अंता अंतुम, सॉरी अंतुम अंतुम, यही था ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये था हमारे पास। टोटल कितने है? दो दो चार, तीन तीन छह, छह छह बारह, दो चौदह, यानी टोटल हमारे पास जो हमारे जो है वो टोटल 14 है। उर्दू में 12 था, अरबी के अंदर 14 आया हमारा। ये कौन सा वाला है, कौन सा अरबी हालत में है? हालत रफा वाला, हालत रफा वाला। अच्छा, यानी कि जितने जमायर है उतने ही हमारा गर्दान होगा, ठीक है। पहला जो हमने उर्दू में गर्दान किया था वो था हमारा, वो गया यहां दिख रहा ना, वो गया, और इसका जो इक्विवेलेंट इंग्लिश में आया था वो आया था ही वेंट, ठीक है। अच्छा, आप गौर करें तो ये ही और वो, इसके लिए अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप कि यहां वो गया और इसका जब तर्जुमा करेंगे तो हुआ, उसके बाद जो मजदार आएगा तो हुआ तो इसमें है। जुमला इस्मिया जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया कहते जैसे इसम से शुरू हुआ, साथ ही आज हमारा क्लास शुरू हो जाएगा जुमला इस्मिया के साथ साथ, हमारा जो पीछे पढ़े थे, आज हमारा जो क्लास होगा जुमला फेलिया भी शुरू हो जाएगा, आज आज ही हमारा जुमला फेलिया भी शुरू हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो लिख देता मैं, यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूं मैं, जुमला फेलिया भी हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है जुमला फेलिया तो उसे कहते हैं फेल से जिसकी शुरुआत हो, तो अगर मैं इस हुआ को पहले रख दूं तो क्या वो जुमला इस्मिया कहलाएगा या फिर जुमला फेलिया कहलाएगा? जुमला इस्मिया कहलाएगा क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है उससे। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी फेल की गर्दान करेंगे तो उस मस्दर के अंदर हम हुआ को शो नहीं करेंगे, हम हुआ को मेंशन नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, लेकिन वो होगा अंदर जरूर। यही हमें समझना और उसकी पहचान करना है कि जब जो मस्दर इस्तेमाल होगा उस मस्दर के अंदर जो जमायर हमारे हैं उस जमायर का एक एक निशानी वहां मौजूद होगा।
उस निशानी के तहत हम पता करेंगे कि उस निशानी में कौन सा मजदर कौन से जमीर इस्तेमाल हुआ। उर्दू में तो हमारा वाजे समझ में आ रहा था, वो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तू सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता, मैं फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अरबी के अंदर ये जो जमायर है इसे हम शुरू में रख नहीं सकते, क्योंकि रखेंगे तो वो जुमला इस्मिया हो जाएगा, वो जुमला फेलिया नहीं कहलाएगा। लिहाजा जब हम जुमला फेलिया बनाएंगे तो फेल यानी जो मजदर हमारा होगा वो उस मजदर को तो इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन उस मजदर के अंदर हम हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतु इस सबको नहीं मेंशन करेंगे। अब हम कैसे मजदर को इस्तेमाल करके हम गर्दान बनाएंगे वो हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब जो आपका माइंड में आ रहा है ना, सारा माइंड को खाली करें और सारा तवज्जो पूरी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सारा तवज्जो हमने उर्दू में जो सबसे पहला शुरू किया था, उर्दू में जो हमारे, अच्छा यहाँ पे एक बात बताते चलो आपको, जो जुमला इस्मिया हमने इस्तेमाल किया था, जुमला इस्मिया के हमने दो पार्ट किए थे, क्या क्या किया था हमने, कौन बताएगा? जुमला इस्मिया के दो पार्ट थे, कौन कौन से थे? सब भूल रहे क्या? जुमला इस्मिया के दो पार्ट थे, वो कौन कौन से थे? जुमला इस्मिया का दो पार्ट था, मुब्तदा और खबर, भूल गए, मुब्तदा और खबर, बाद में मुताल्लिक आया था। तो जुमला फेलिया का भी हमारा दो पार्ट होगा, जुमला फेलिया का दो पार्ट होगा हमारा, अभी फिलवा एक होगा फेल और एक होगा फाइल, एक होगा फेल और एक होगा फाइल। फेल जो हमारा मजदर है, जो हमारा फेल रहेगा, हमारा फेल रहेगा। फाइल जो हमारा है, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, ये जो काम है इस काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। एक और पार्ट बाद में इंट्रोड्यूस होगा, उसे हम बाद में बात पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतने ध्यान में रखिए, फेल उसे कहते हैं, वो जो फेल होगा उस फेल यानी काम करने, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना फेल है, फाइल मैं हूं यानी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई खाना खा रहा है तो खाना खाना फेल है, जो खा रहा है वो फाइल है, ठीक है। कोई दौड़ रहा है तो दौड़ना एक काम है, जो दौड़ रहा है वो फाइल है, समझ में आया? फेल और फाइल किसे कहते हैं? फेल काम को, और जो काम करने वाला है उसे हम कहेंगे फाइल। यहां गया वो जाना फाइल है, सॉरी फेल है, और वो फाइल है। फाइल कौन है? थर्ड पर्सन है हमारा, वाहिद है, थर्ड पर्सन है। यहां भी फेल वेंट है और ही फाइल है हमारा। हमने जो जमायर इस्तेमाल किया वो कौन सा वाला था? इराबी हालत पे मरफू वाला है, लिहाजा लिहाजा आपको क्लियर हो गया, ये हमारा जो फाइल है उसकी इराबी हालत क्या होगी? रफा होगी। यहाँ जगह नहीं है तो लिख देता मैं, बस इतना समझ ले कि जो हमारा फाइल है, जहन में बढ़ा ले, जो हमारा फाइल है वो हालत रफा में हुआ करेगी, जिस तरह से मुब्तदा और खबर हमारा हालत रफा में हुआ करता था, लिहाजा फाइल जो हमारा है वो इसमें है, ये इसमें है ना जी, ये इसमें ना। लिहाजा तो फाइल और इस्म की तीन अराबी शक्ल होती है, पता आपको कौन कौन सी? रफा, नसब और जर। लिहाजा फाइल जो हमारा इस्म में आ रहा है और ये इस्म की एराबी शक्ल जो होगी वो हालत रफा में होगी। यहां से ये बात भी हमें क्लियर समझ में आ गया। अब हम आते हैं, एक पहला मजदर हम लेते हैं जाना, जो हमने शुरू किया था उर्दू के अंदर। अरबी जाना के लिए क्या इस्तेमाल करता है? जाल, हा और बा। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। जाल, हा और बा, तो अरब क्या करता है कि उनको मिलाता है, और आपको पता है कि जो लफ्ज बनता है वो हुरूफ और हरकात के मिलने से बनता है, तो जाल, हा और बा को वो इस्तेमाल करता है। जाल, हा, बा, ज़हबा। और इसका जो पहला गर्दान इस्तेमाल करता है वो क्या करता है? उस पर मुनासिब हरकात लगा देते हैं, सब पे जबर लगा देते हैं। तो हमारा पहला गर्दान मौजूद, हमारा पहला वाहिद मुजक्कर हमारे पास आ गया, जहाबा। और इस जहाबा के अंदर क्या छुपा हुआ है? हुआ छुपा हुआ है, इस जहाबा के अंदर हुआ छुपा हुआ है। अब ये तो मसला हो गया, आपको नजर ही नहीं आ रहा कहां छुपा हुआ है। एक मजेदार किस्सा बताता हूं आपको,
जो मैंने अपने उस्ताद से सुना था, मैं सोचा उसको शेयर करना जरूरी है। पुराने जमाने की बातें, जो पहले हम पढ़ाई करते थे तो कलम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे बच्चे, बचपन में जब हम पढ़ते तो कलम बाद में इस्तेमाल करते थे, पहले तो रबड़ और पेंसिल वगैरह से इस्तेमाल करते थे। तो कॉपी में उस्ताद ने गर्दन पढ़ाया उनको, और उन्होंने उनको बताया, बच्चे को बताया कि ये जो ज़हबा है ना, इस ज़हबा के अंदर हुआ छुपा हुआ है। अब बच्चे मानते थे उस्ताद की बात, जब बच्चे उस्ताद कह दिए, सर ने कह दिया कि हाँ उसके अंदर हुआ छुपा हुआ है, तो हुआ छुपा हुआ है मान लिया। एक बंदे के जहन में आया कि इस हुआ को निकालूंगा मैं इंशाल्लाह। उस्ताद ने कहा है ज़हबा के अंदर हुआ छिपा है तो छिपा है, इसको निकालूंगा मैं। तो वो क्या किया, रबड़ लिया और रबड़ ने मिटाना शुरू किया ज़हबा को, कि देखो आखिर कहाँ छिपा हुआ इसमें हुआ। वो मिटाना शुरू कर रहा, मिटाना शुरू कर रहा है, जब पूरा ज़हबा मिट गया, मिला नहीं उसको, वो बड़ा ढीठ था, वो बोला नहीं उस्ताद जी ने कहा है ज़हबा के अंदर हुआ छिपा है तो छिपा है। बोला सही से मिटाया नहीं हूं मैं, इंशाल्लाह मैं फिर मिटाऊंगा। और घसा 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 घसा, तो कागज पे ज्यादा घसने से क्या होता है, मिटाने से, जबर घसने से क्या हो जाता है, फट जाता है, फट जाता ना। अल्लाह की मदद इस तरह से आई कि जैसे वो कागज फटा ना, उसके पिछले पन्ने पे ही हुआ हुमा हुम वाला जमीर लिखा हुआ था, और ठीक जहाबा के नीचे हुआ मिल गया उसको। तो वो इतना खुश हुआ, बोला कि उस्ताद साहब की बात तो एकदम सही समझ में आई, जहाबा के अंदर हुआ छिपा हुआ, लेकिन आप अगर इसको मिटाने की कोशिश करें तो आपको हुआ मिलेगा नहीं। बस ये समझ लें कि जो हमारा मजदर होगा और उस मजदर के ऊपर हम मिलाएंगे, और पहला जो हरकात को इस्तेमाल करेंगे, जाल पर जबर, हा पर जबर और बा पे जबर, इसके अंदर हुआ छुपा होगा। मैंने पहले बताया कि हम हुआ को मेंशन नहीं करेंगे, हुमा को मेंशन नहीं करेंगे, जमायर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जमायर मेंशन कर देंगे तो वो इस्म नहीं हो जाएगा, वो जुमला इस्मिया हो जाएगा, वो जुमला फेलिया नहीं होगा। ठीक है, ये जहन में डाल ले। लिहाजा हम जब फेल को आप बनाएंगे, फेल के गर्दान करेंगे, तो इसमें हम उसको शो नहीं करेंगे, लेकिन कोई निशानी से जरूर पहचानेंगे कि इसके अंदर हुमा है, किसके अंदर हुन्ना है, किसके अंदर अंता है, किसके अंदर अंतुमा है। अब जो आप लोगों ने, अगर बाज लोगों ने उसको फेल को सीखा होगा तो रट्टा मारा होगा, इंशाल्लाह रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आज के बाद आपको एक मजदर दूंगा, पहला हर्फ मिलेगा आपको, पहला लफ्ज आपको मिलेगा, और धड़ा धड़ आप गर्दान बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा पहला गर्दान बन गया, हमारा पहला, हमारा जुमला बन गया ज़हबा, और इसका माना क्या हुआ, वो गया। ज़हबा का माना क्या हुआ, वो गया। अच्छा किसको समझ में नहीं है पहले बताओ, उसके बाद दूसरा बनाता हूं। पहले किसको नहीं समझ में आया फटाफट बताएं। अच्छे से समझ लीजिए, हर एक बंदे से मैं पर्टिकुलरली हर किसी से एक एक गर्दान, एक एक मजदर दूंगा, और हर एक से गर्दान सुनने वाला हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, अच्छे से समझ लो आप, आज छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह ताला। जी समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तैयार रहिएगा सबके सब। तो ज़हबा हमारा पहले तैयार, इसका माना क्या हुआ कि वो गया। अच्छा अब मुसन्ना में आते हैं, तो हमारे पास तीन मौजूद था, हमारे पास तीन हुरूफ मौजूद था। ज़हबा मैंने बताया कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ज़मायर छुपा हुआ है। तो आप बड़ा परेशान होंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो यहाँ हुआ छिपा हुआ था और इसमें हुमा छुपा हुआ है, तो फर्क कैसे करेंगे, फर्क कैसे करेंगे। अच्छा इसको मैं, एक मिनट रुकिए, इसको ब्लैक में लिखता हूँ कि हाईलाइट अच्छे से हो जाए। तो इसमें मैंने कहा हुआ छुपा हुआ है, मैंने कहा इसमें हुमा भी छिपा हुआ है, लेकिन फर्क कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, मैं अपने तरीके से याद करवा, तो मैं अपने तरीके से कैसे याद किया था, एक गाड़ी लेकर अगर कोई आता है तो आपको पता है कि उसके अंदर एक ड्राइवर मौजूद होता है, तो हम उसे काउंट नहीं करते, सही है, ये गाड़ी है इसके अंदर ड्राइवर ऑलरेडी मौजूद है, हुआ वाहिद। ड्राइवर गाड़ी लेकर आया मेरे घर के सामने, इसके अंदर दो बंदा आना है, मुसन्ना में दो आते हैं ना, ड्राइवर ऑलरेडी था, मैं दाखिल हुआ, तो इसके साथ मैं एक खड़ा लड़का दाखिल हो गया। फर्क समझ में आ गया हमें कि इसमें हुआ छिपा हुआ था और इसमें हुमा छिपा हुआ, यानी अब हमारे फर्क नजर आया कि इस बा के आखिर पर अलिफ लगा दिए तो हमारे पास आ गया जहाबा, वो एक गया, जहाबा ये दो गए। फर्क समझ में आया,
जहाबा वो एक गया, जहाबा वो दो लड़के गए या मुजक्कर गए, ठीक है। अच्छा ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, मेरे दोस्त के पास गया, मेरे दोस्त के पास गया तो गाड़ी था, ड्राइवर था, मैं भी था उसमें, लेकिन जमा करना है, तीन बंदा आना, हमको जगह नहीं था। हाँ माशाल्लाह, जहाबू जगह नहीं था, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जगह नहीं था। तो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। मैं बोला भाई थोड़ा घूम जा, मैं बोला थोड़ा घूम जा ताकि मैं भी आ जाऊं। तो मैं क्या किया, ये ऐसे था ना, तो मैं घूम गया थोड़ा, और फिर एक ऐड हो गया मेरे साथ। और आपको पता है कि वाव से पहले मुनासिब हरकत होता है पेश, तो हमारे पास आ गया जाहबू। इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाया, अब इसको अरबी में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जो ग्रामर के तरीके में समझाया। ज़हबा जो हमारे पास पहला मजदर था, उस मजदर पे मुनासिब हरकत हमने इस्तेमाल किया, तो इसके अंदर हुआ था, इसमें एकदम छिपा हुआ गैप बिल ईमान ईमान बिल गैब है इसके अंदर, कि भाई हमें कंफर्म पता है कि जो हमारा पहला मजदर आएगा, जो गर्दान का पहला हर्फ आएगा, हमारा पहला लफ्ज जो आएगा, उसके अंदर हुआ छिपा हुआ। दूसरा भी वो था, लेकिन उसको फर्क करने के लिए हमने आखिर में अलिफ को ऐड कर देते हैं। अरब अरब क्या करते हैं ग्रामर वाले, उसको आखिर में अलिफ को ऐड कर देते हैं। जमा को शो करने के लिए वो क्या करते हैं, वाव को लगाते हैं, ठीक है, अलिफ को हटा के वाव कर देते हैं, और लिखने के एतबार से वो अलिफ को ऐड कर देते हैं, लिखने के एतबार से अलिफ को ऐड कर देते हैं। जिस तरीके से जब हमने देखा था कि हालत नसब के अंदर जो इस्म होता था, जिस पर दो जबर आता था, उसके आखिर में एक अलिफ को ऐड कर देते थे, तो उसी तरीके से अलिफ को ऐड कर देते हैं, और वाव से मुनासिब हरकत पहले हर्फ के ऊपर हरकत को ऐड कर देते, पेश कर देते। तो हमारे पास आ गया जहाबा, जहाबा, जहाबू। वो एक मुजक्कर गया, वो दो मुजक्कर गया, और वो सारे मुजक्कर गए। यहां तक किसी को कोई सवाल, अच्छे से जहन में बैठाइए, आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे इंशाल्लाह ताला, बैठिए जहन में, एकदम इजी है। जो हमारा मजदर था, ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, ड्राइवर ऑलरेडी उसमें था, हमने उसे जोड़ा नहीं कि भैया इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर ऑलरेडी मौजूद है। मेरे घर के पास आया, मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर, एक लंबा बंदा, एक बंदा ऐड हो गया, लिहाजा अब ड्राइवर भी था, इसके साथ एक बंदा और आया। मेरे किसी और दोस्त के घर गया, आदिल भाई के घर गया, आदिल भाई बोला भाई मेरे को जगह दो थोड़ा बैठने के लिए, थोड़ा घूम जाओ। अलिफ को मैंने घुमा दिया, वाव बना दिया, ऊपर से पकड़ के नीचे घुमा दिया, एडजस्ट करके फिर आदिल भाई भी एडजस्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया यहां तक, मुज़क्कर क्लियर हमारा, चले ठीक है, जरूरत नहीं उसकी। अच्छा अब आते हैं मुअन्नस की तरफ। ज़हबा था हमारे पास, ज़हबा था हमारे पास, आपको पता था इसके अंदर मुज़क्कर था, ड्राइवर मुज़क्कर था। अब गाड़ी चलाने वाली लड़की है, गाड़ी चलाने वाली लड़की है, तो यहां लड़का था, यहां भी ज़हबा है, यहां भी ज़हबा, लेकिन इसमें हुआ था मुज़क्कर था, तो कोई फर्क होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है मर्द और औरत के अंदर फर्क है। तो वो अरब वाले फर्क क्या करते हैं, उसके आखिर में गोल ता लगा देते हैं, सॉरी ता लगा देते हैं और साकिन कर देते हैं उसको, क्या कर देते हैं, साकिन लगा करके ता साकिन लगा देते। तो आपके हमारे पास आ गया जहाबत। अब इससे समझ में आया कि वो जो जाने वाली कौन है, मुअन्नस से। ये जो फर्क है ना, ये जो आखिर में जो फर्क ऐड हो रहा ना, इससे पहचान करना हमारे हमें कि उस मस्दर यानी उस फेल के अंदर कौन सा जमीर है, यही समझना है हमें और कुछ नहीं। हाँ जहबत, ठीक है, यानी कि अब हाँ ठीक है आते हैं, तो हाँ जहबत। अब आगे आते हैं, वो जो मोहनस थी गाड़ी लेकर के पहुंची मोहनस के पास, तो हमारे पास जहबत था, जहाबत था, ड्राइवर थी, जैसे यहाँ ड्राइवर था, मुजक्कर इसमें मौजूद था, यहाँ भी जो था वो आ गया हमारे पास, एक और उसके अंदर ऐड हो गए। तो कैसे ऐड किए थे हमने, अलिफ के साथ ऐड कर दिया हमने, इसमें भी हमने अलिफ के साथ ऐड कर दिया, और आपको पता है अलिफ से पहले साकिन होता नहीं है, लिहाजा इसको जबर में तब्दील कर दिया। जहाबत, जहाबता, जहाबत वो एक मुअन्नस गई, जहाबता वो दो मुअन्नस गई,
मजा आ रहा याद करने में? अच्छा अब हाँ अब जमा बने, हाँ ठीक है माशाल्लाह। जहा बा था, ये जो खाना है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट खाना है, इसको जहन में डाले कि इस के यहां जो लफ्ज होगा उसके जरिए से बाकी जितना हमारा ना इसको मिटा दूंगा, ठीक है, ताकि बाकी कुछ समझ में आ जाए। इसको मिटा दूं, ये जो खाना है हमारा इसको इंपॉर्टेंट कर लें, ये बनेगा पहला हर्फ से, पहला लफ्ज के साथ बनेगा। बस फर्क ये करना हमें कि इस बाप पे जो जबर आ रहा था आखिर में, इसको हम कर देंगे साकिन, और ये जहब जो है ना, इस जहब को सब के अंदर भर देंगे। अब यही चलेगा हमारा पूरा, जहब 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 जहब, ठीक है, जहब 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 जहब, और इसमें भी जहब, और यहां भी आ जाएगा हमारा जहब, और यहां भी आ जाएगा हमारा जहब। ये हमारा चलेगा यहां से यहां तक, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि गोल ता था और औरत टेढ़ी पसली है, लंबा था लंबा को टेढ़ा कर दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें नून जबर के साथ शो कर देंगे, नून जबर के साथ शो कर देंगे, तो मुअन्नस थर्ड पर्सन के लिए हो गया जहब ना, जहब ना, यहां तक क्लियर हो गया। जहबा वो एक बंदा गया, जहबा वो दो मुजक्कर गए, जहबू वो सारे मुजक्कर गए, जहबत वो एक मुअन्नस गई, जहबता वो दो मुअन्नस गई, जहबना वो सारे मुअन्नस गई। अब यही चलेगा जहब, जहब का जो प्रोनाउंस है ना, ये जहब 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 के साथ चलेगा आपका। यहां छह समझ में आ गया, हाँ। तो उसकी पहचान के लिए वो क्या करते हैं, आखिर में नून जबर को लगा देते हैं, उसकी पहचान ये है कि वो नून जबर है, नून जबर के साथ पहचान देते उसको। नहीं नहीं वो पहचान है या नहीं वो अलग बात है, मैंने बताया था ना उस दिन आकिल और गैर आकिल के जमा, अगर से गैर आकिल के अंदर बहुत सी चीजें आ रही थी, लेकिन उन्होंने आकिल के अंदर सिर्फ इंसान फरिश्तों और जिन को ही लिया, जानवर भी आकिल में ही आते, लेकिन चूंकि अरब का ग्रामर का उसूल ये था कि वो आकिल के अंदर इंसान फरिश्ते जिनको ही लेते हैं और गैर आकिल के अंदर बाकी सब चीजों को, तो हम उनसे तो बहस नहीं करते, जाहिर सी बात है। अरब क्या करते हैं उसकी पहचान के लिए नून को ऐड कर देते हैं, बस नून जबर के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा जहब ना, इस नून जबर से हम पहचानेंगे कि जो हमारा मजदर है उस मजदर को करने वाली कोई जमा है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं मुजक्कर मुखातब के अंदर, क्या था हमारे पास, जो हमारे प्रोनाउंस था वो क्या था, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। लफ्जों पे गौर करें, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, सारे में कॉमन क्या है, अंता अंतुमा अंतुम, गौर करें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अन, नहीं नहीं कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, ये छह में कॉमन क्या नजर, सुने अरे नहीं एक मिनट सुने, वापस से सुने, तोड़ के समझा रहा हूं मैं, अन कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन जो सब में सुनने आ रहा है, अंतुमा अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, कॉमन क्या है, अनकॉमन है ना सब में, अन मैं बार बार बोला ना, अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना, अन सब में आ रहा ना, अन को निकाल दे और बाकी सारे को ऐड कर दे,
अन को निकाल ले, सबको लगा दे। तो पहला क्या था, अन ता, तो अन को निकाल दिए, जहब ता ये था, अब जहब तुमा, तो अन तुमा था, तुमा को जोड़ देंगे, और ये जहब ना तो अन तुम, इधर में क्या आएगा ती, ये सेम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुन्ना, एकदम इजी था ये। जहब ता, जहब तुमा, जहब तुम, जहब ती, जहब तुमा, जहब तुन्ना। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया, 6 6 12 याद हो गया सबको। अब ये लाइन में गौर करें, बगैर ता के भी आ गया, ता साकिन भी आ गया, ता जबर के साथ भी आ गया, ता जेर के साथ भी आ गया, ता के ऊपर क्या बचा, ता के ऊपर क्या बचा, बैठा दे यहां पे, हो गया जब तू, मैं गया। इसकी शुरुआत कहां से किया था हमने, इस जहब की शुरुआत कहां से किया था, नून जबर नान से शुरू किया था ना, यहां से यही खत्म कर दें। लेकिन फर्क करना है ना यहां पे, यहां तो नून जबर आ रहा है और यहां भी नून जबर आ गया, तो फर्क तो करना है ना, जाहिर सी बात है, तो अलिफ के साथ इसको फर्क कर दें, हो जाएगा जहब ना, हो गया हमारा गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह। आपको परेशानी सिर्फ और सिर्फ ये 6 में आएगा, ये 6 और ये 2 एकदम इजी है। इसको याद रखने का तरीका जो मैंने बताया, वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल, बस उसको जहन में रखें, उसको जहन में रख करके धड़ाधड़ मजदर बनाएंगे आप इंशाल्लाह ताला, धड़ाधड़ गर्दान बनाने इंशाल्लाह ताला। आपको मजदर दिया जाएगा, बस शुरू का लफ्ज दिया जाएगा और उसके साथ आप सारे के सारे गर्दान बनाना शुरू। किसको गर्दान समझ में नहीं आया, किसको गर्दान समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक? गर्दान से भागते हैं ना लोग, नहीं गर्दान, गर्दान से भागते हैं, जिनको पढ़ने का शौक है वो ठीक रहेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारा पहला लफ्ज था जहाबा, जो भी हमारा मजदर होगा उस पर मुनासिब हरकत लगाएंगे तो हमारा पहला लफ्ज तैयार हो जाएगा और उसके अंदर घुमा छुपा हुआ छुपा रहेगा। तो जहाबा, जहाबा दो मुजक्कर के लिए हमने आखिर में अलिफ के साथ फर्क कर दिया इसको, तो अब समझ में आएगा, ये अलिफ हमें बताएगा कि इसके अंदर दो है, वो जाने वाले कौन है, वो दो है। जहाबू ये वाओ और अलिफ हमें बताएगा कि अब जो जाने वाले हैं वो उसमें तीन लोग या तीन से जायद है, जमा का लोग इस्तेमाल हुआ। जहाबत ये ता साकिन हमें बताएगा कि अब जो जाने वाली है वो मुअन्नस है। जहाबता ये ता के ऊपर जबर और अलिफ हमें बताएगा कि अब जो जाने वाली है वो दो मुअन्नस है। जहबना ये नून जबर बताएगा हमें कि अब जो जाने वाली है वो बहुत सारी मुअन्नस है, तीन से जायद, ये तीन है। जहबता तू गया, जहब तुमा तुम दोनों गए, जहब तुम सब गए, जहब ती तुम मुअन्नस गई, जहब तुमा तुम दो मुअन्नस गई, जहब तुन्ना तुम सारे मुअन्नस गई, जहब तू मैं गया या मैं गई, जहब ना हम गए। कितना आसान था, इसको रट्टा मारते थे हम लोग, एकदम समझ के बताएंगे। चले अब इसका मतलब, अब मुख्तलिफ लफ्ज दूंगा उसके साथ आपको गर्दान बनाना है इंशाल्लाह, तो हमारा क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है? जाना, अच्छा आपको समझ में आ रहा ना, ये जहबा ये फेल था और ये ता साकिन फाइल है, तो इससे हमें समझ में आ रहा फाइल जो हमारा है मुअन्नस है, यानी ये हमारा जुमला फेलिया है, ये इतना सा लफ्ज हमारा जुमला फेलिया, जहबा वो गया जुमला फेलिया शुरू हमारा, ये सारा का सारा जो है ना ये जुमला फेलिया हमारा, ये जुमला फेलिया है, ये भी इसके अंदर हुआ छुपा फाइल छुपा हुआ, एक वक्त आएगा हम इस फाइल को निकालेंगे बाहर, अभी जमीर के शुक्ल जमीर के शक्ल में अंदर छिपा हुआ, जब इसको आलम की शक्ल में लाएंगे ना इसको बाहर निकालेंगे हम, अभी नहीं निकालेंगे बाहर में निकालेंगे, बाद में निकालेंगे,
फिल वक्त के लिए भी समझ ले आपको। तो फेल और फाइल इसके अंदर मौजूद है, ये फेल है और फाइल इसका अलिफ है, अलिफ से पता चल रहा है कि ये दो मुजक्कर है। अच्छा मैं अब आपको एक देता हूं मजदर, अरब बैठने के लिए जीम लाम सीन इस्तेमाल करता है, जीम लाम सीन, तो जीम लाम और सीन को मिलाएंगे जलसा। चले इससे गर्दन करें, जलसे से गर्दन करना शुरू करें, कौन करेगा पहला गर्दन, करें आप करें, आदिल भाई करें, उसके बाद अभी बहुत है, बहुत सब कोई करेगा, दो दो बार तीन तीन बार मौका मिलेगा। बोलिए आहिस्ता 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 एक एक करके, ठीक है जलसा, हाँ लंबा करें लंबा करें, दूसरा लंबा करें तो फर्क नहीं समझ में आएगा, जलसा जलसा, जलसू जलसत जलसता जलसना जलसता जलस्तुमा जलस्तुम, माशाल्लाह जलस्ती जलस्तुमा जलस्तुन्ना, जलस्तु मैं बैठा, जलसना हम बैठे, माशाल्लाह। चले अब नेक्स्ट बताए, अंदर आने के लिए दरवाजे या फिर किसी भी तत्वार से अंदर आने के लिए अरब इस्तेमाल करता है दाल खा लाम, दखला दाल खा दखला, अंदर आने के लिए इस्तेमाल करता है। चले मरियम आप बताए, दखला दखलू दखलत, हाँ, दखलत दखल, हाँ उसके बाद दखल किस, दखलता दखलता, जबर जबर जबर, दखलता दखलना, अब दखल दखल करें, दखलती ना। चले आप बताओ, आप राधी आप पढ़ो, आप बताओ मुझे, बाहर जाने के लिए अरब इस्तेमाल करता है खरज, खा रा जा खराजा, चलो आप खराजा खराजा खराजू खराजत खराजता, लंबा करे अलिफ को टाने, खरजना, माशाल्लाह आगे बढ़े, खरजता खरजतुमा खरजतुम, ठीक है खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना, माशाल्लाह बहुत खूब, खरजतु खरजना, माशाल्लाह। वसीम भाई आप करोगे, आप करोगे, आपको समझ में आया, आप करोगे गर्दन, चले माशाल्लाह। चले तो आप एक बार गर्दन करें, फतह से करें, खोलने के लिए अरब इस्तेमाल करता है फतह, तो खोलने के लिए इस्तेमाल करता है फतह, हाँ तो फतह से करें आप, सबको खोले, एक मिनट एक एक करके अभी आएंगे, वापस आएंगे आपके पास, अभी बहुत है मेरे पास इंशाल्लाह। चले वसीम भाई आप पढ़ो, फतह हाँ फर्क करें, हाँ फतह, उसके बाद फतहू, हाँ फतहत फतहत, आहिस्ता आहिस्ता, हाँ समझ के जो लिखा हुआ आपके सामने में इसको गायब करें, इसको ऐड कर दे बस, और कुछ नहीं करना है, फतहत हाँ फतहत फतहता, फतहना फतहना, चले अब फतह फतह करना शुरू कर दे, फतह फतहता, हाँ हाँ फतह तू, माशाल्लाह फतह ती, हाँ हाँ फतह तुन्ना, ठीक है माशाल्लाह आगे बताएं, आप खोले, आप फतह तू, मैं खोला, फताहना फताना
फतहना, हमने खोला, हमने खोला। चले माशाल्लाह बहुत खूब। और कौन करेगा? जुल्म करना, जगह नहीं आ रहा यहाँ। चलिए एक मिनट, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। जुल्म, जुल्म करने के लिए वो जीम लाम और मीम को इस्तेमाल करते हैं। जलमा। अच्छा ये वोकैबलरी, वोकैबलरी याद रखेंगे, आपको ज़हन में बैठाना जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। ज़हबा, ज़हबा जाना, खारजा बाहर निकलना, दखला अंदर आना, कदमा अंदर आना, उसके बाद अभी जो फतह लिखवा है मैंने, खोलना, ये तमाम याद रखना आपको ज़हन में, ये आपको आने वाली है, बार बार रिपीट होने वाला, तो इसको अच्छे तरीके से ज़हन में बैठा लो आप। चले ज़लमा से इस्तेमाल कौन बनाएगा? आप बनाए, चलिए मेरी मैडम जो पहले बोलेगा बनाएगा। अभी है मेरे पास बहुत, इंशाल्लाह इसको बार बार रिपीट करें। चले बनाए, आदिल भाई बना। जलमा, जलमा, जलमू, जलमत, जलमता, माशाल्लाह, जलमना, बहुत खूब। आए आगे चले, जलमता, जलमतुमा, जलमतुम, जलम, जलमती, तूने जलम के, जलम तुमा, जलम तुम ना, माशाल्लाह आगे पढ़े, जलम तू, माशाल्लाह, जलम तू, पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना आपको? रब्बी इन्नी जलम तू, ऐ मेरे रब, रब्बी मेरे रब, इन्नी यकीनन मैं, जलम तू, मैंने जुल्म किया। अब समझ में आ रहा आपको? उसके बाद आया क्या? जलम ना, रब्बना, जलम ना, ऐ हमारे रब, जलम ना, हमने जुल्म किया। समझ में आ रहा है आप इसको माना? अब फर्क समझ पाएंगे आप, आपको इसका माना अब आपको हल्का समझ में आएगा। किस पर जुल्म किया वो बाद में आएगा, अनफुसना वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा चले, कतल, कतल करें मरियम आप सबको, सबका कतल करें अब आप, सबका कतल करें कतल करे सबकी अब। कतला, कतला, कतलू, कतलत, यहां थोड़ा गड़बड़, हाँ यहां थोड़ा गड़बड़ होगा, प्रैक्टिस करिए। हाँ कतलत, ठीक है, कतलता, कतलना, कतलना, माशाल्लाह आगे बढ़े, कतल, हाँ कतल, कतल तुम, कतल तुम ना, हाँ मैंने कतल किया, हम सब ने कतल किया, इतना कतल कर दिया आपने। चले ये कतल पे सजा भी नहीं मिलेगा। अच्छा रिस्क देना, रिस्क देना अरब इस्तेमाल करता है, रा, गा और काफ। चलो आप राधिया बताओ, आप पढ़ो रजा का, रजा का, रजा का, रजाकू, रजाकत, रजाकता, रजाकत, रजाकता, उसके बाद रजाकू, आया रजाकू, चले उसके बाद रजकना, रजकना, माशाल्लाह आगे पढ़े, सेकंड पर्सन पे आया। हाँ हाँ वापस से पढ़े इसको, हाँ वाहिद बोला, ये तो हो गया। चलिए यहाँ पे है ना, मुजक्कर पे है, ये मुखाते में है, सेकंड सेकंड पर्सन पे है, यहाँ से पढ़े। अच्छा चले शुरू से पढ़े वापस, आप इस ब्लर हो रहा है तो आप चलो अपने मर्जी से वहां से पढ़ो, आप नॉर्मल पढ़ो, शुरू से पढ़ो, चलो साउंड से पढ़ो आप, चलो शुरू से पढ़ो। रजा का, रजा का, रजाकू, माशाल्लाह, रजाकत, रजाकता, रजकना, रजकना, आगे चले रजकता, रजक तुमा, रजक तुम,
रजकती, रजक तुमा, रजक तुन्ना, माशाल्लाह बहुत खूब, आगे चले, दो बचा हुआ, रजक तू, रजक ना, सूरह बकरा के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो मिम्मा रजक ना, और रजक ना हमने रिस्क दिया, रजक ना, मिम्मा, मिम्मा का माना भी आपको पता है लेकिन आपको भी नहीं बताऊंगा मैं, मिम्मा जो, जिसमें से, जो हमने उसको रिजक दिया। अच्छा